नशे की लत जिसे लगी हो उसके लिए सिर्फ नशा ही सब कुछ होता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा शख्स महंगी से महंगी चीज को भी कौड़ियों के दाम बेच देता है। ऐसा एक मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करा रहे नरेंद्र यादव रात को सो रहे थे और उनका फोन साइड में चार्ज पर लगा था, जिसका फायदा उठाकर जसवंत नाम के शख्स ने फोन चोरी कर लिया और सतीश को बेच दिया। नरेंद्र की जब आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसका 42,000 रुपए का फोन उसके पास नहीं था। मामले की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें यशवंत चोरी करता दिखाई दिया। जब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। नरेंद्र नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि मीनाक्षी यादव अस्पताल में उसकी घरवाली इलाज के लिए एडमिट थी। फोन उसने अपना लगाया हुआ था। फोन रात के समय में 2:45 बजे के लगभग कोई अनजान व्यक्ति चोरी करके ले गया। शिकायत मिलने के बाद मैं मुकदमा दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करें। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर उसे मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछताछ की। पूछताछ करने बताया कि उसने जो मोबाइल फ़ोन अस्पताल से चोरी किया था वो फ़ोन जसंत रूप डोंगी नाम का एक लड़का है, उसको 100 रुपये में बेच दिया। आज सुबह उस फोन खरीदने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और फोन से भ्रमण किया। आरोपियों को पेश अदालत किया गया जो बंजुल अवला रिवर। मुदई ने शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका फोन था ये लगभग 42,000 रुपये का खरीदा हुआ था और चोरी करने वाला व्यक्ति ने उसको 100 रुपये में बेचा। क्या नशा करने का था? आरोपी जसवंत तक पहुंचने के बाद पुलिस ने उसे जब पूछताछ शुरू की तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। जसवंत ने बता दिया कि उसने नशे के लिए चोरी की थी और सिर्फ 100 रुपए में फोन सतीश को बेच दिया, जिसके बाद पुलिस सतीश का पीछा करती रही और उसे गिरफ्तार कर फोन बरामद कर लिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।